सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग कोमल ब्लॉग। होप करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं क्रिस्टल वर्ल्ड। तो हम लोग क्रिस्टल वर्ल्ड आए हैं और किसके साथ आए हैं? एज यूजुअल पति देव, मलिक भैया, मलिक भाई को जो काफी दिनों से बीमार थे, उन्होंने जाने का मन कर रहा था, उन्हें लेके आ गए। वो देखिए अब थोड़ा तंदुरुस्त लग रहे हैं। वो जैसे बच्चा क्रिस्टल वर्ल्ड के नाम पे जो उछलता है ना भाई, यहाँ देखो उछल के दिखाओ, दद्दू उछल के दिखाओ, उछल के दिखाओ। और बाकी हमारे दोस्त गाड़ी पार्किंग पे लगा रहे हैं, तो तब आपको उनसे मिलाते हैं। तो मैं तो काफ़ी टाइम से, मैं तो काफ़ी कम से कम 2-3 साल से सोच रहा था आने की। आज पहली बार मैं क्रिस्टल वर्ल्ड आ रहा हूँ, मेरा बहुत पुराना सपना था क्रिस्टल वर्ल्ड आने का। तो फाइनली सभी लोगों के साथ मिलकर प्लान बन गया, तो अब देखते हैं फिर क्या क्या मज़े आने वाले हैं। तो काम से हट के थोड़ा सा ये फन भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर अंदर चलते हैं और बाकी चीज़ें फिर डिटेल देते हैं आपको, क्या क्या चार्जेस है, क्या क्या अंदर फन होने वाला है। हमारे सभी लोग भाई लोग जो हैं आ गए हैं। और हम आ गए हैं। गाइडलाइंस, पार्किंग एट योर ओन रिस्क, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग फ्री है। और बाकी आप सभी लोग पढ़ लीजिए सारी प्राइस लिस्ट। और उनके होश उड़ गए पैसे सुन के। मुझे भी नहीं बताया था इतना महंगा, मैं भी नहीं आपको। वो है सबसे ज्यादा जाइंट, यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे एंजॉय करना है, यहाँ पे हमें पैसे वसूल करने हैं पूरे। हमारे जो लोग हैं तैयार हो चुके हैं, ये सुपर एक्साइटेड, सबसे आगे आगे डरने वाले लोग सबसे आगे। कौन डरता है भाई, पागल हुए क्या? ये डरते हैं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आई एम अ स्विमर। यहाँ कौन सी स्विमिंग होगी इसमें, गोल गम्बू में डोनट जैसा, ये क्या है? तो हम लोग इतना कंफ्यूज हो गए ना, हमें पता ही चल रहा है कि हमें जाना कहाँ है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं, हम लोग इतना कंफ्यूज हो गए ना कि हमें जाना कहाँ है, हमें पता नहीं है। तो अभी सामने हमें एक एंट्रेंस मिल गया, तो मैं वहाँ जाएंगे सीधा। और ये सब लोग एंटर कर रहे हैं क्रिस्टल वर्ल्ड में, और स्वागत है आपका क्रिस्टल वर्ल्ड में। लेट्स गो गाइस, स्वच्छ उत्तराखंड के लिए मिलकर प्रयास करें। हाँ जी, ये हमारे टिकट, तुम आगे जा रहे हैं, ये हमारा टिकट, हम आगे जा रहे हैं, ठीक है? पैसा पीछे दे चुके हैं। और आजकल जो देहरादून का माहौल हो रखा है ना, वो गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज भी जो टेम्परेचर है वो है कम से कम 37 के अराउंड है। और सकल को 2 मिनट में ही बैंड बज गई है, तो अब चलते हैं फिर आगे, मज़ा आने वाला है बहुत। दिन भर में काफ़ी इन्जॉय करेंगे, और सारे प्लान के लिए थैंक्स बोलना है हमें इनको। खैर अभी बिजी है बात करने में, तो मज़ा आने वाला है काफ़ी। कपड़ों के लिए यहाँ पर मशक्कत की जा रही है, जल्दी जल्दी करो, समय हाथ से निकला जा रहा है। हम लोग एक एक राइड मार के आ गए हैं और मजा आ गया, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं काफी। और राइड मारने के बाद हमें याद आया कि मतलब फोन तो अंदर रख के आ गए थे। गाइस, हम लोग जाने वाले हैं उस वाली राइड पे नेक्स्ट। अभी हमने थोड़ा सा लंच वगैरह कर लिया है और जाते हैं नेक्स्ट राइड पे। और काफी देर से हम लोग सोच रहे थे कि इस वाली राइड में खूब मजा करने वाले हैं, तो चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको फन। ये देखिए गाइस, चल रहे अभी।
तो अभी तक दो राइड कंप्लीट कर ली है। आशू हमेशा सबसे पहले जा रहा है, सबका डर जो है खत्म कर रहा है। और सेकंड नंबर पे मैं जा रही हूँ। सही बात है। और ये है हमारे बाकी सब लोग। तो फिर अभी चलते हैं थर्ड राइड की तरफ। चलो बाय बाय। राइड खत्म करने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद जा रहे हैं और दूसरी राइड पे। कौन सी वाली राइड पे जा रहे हैं? हम झूले वाली राइड पे जा रहे हैं, आगे जो बची भी है। अब हम जा रहे हैं राइड पे, रोलर कोस्टर पे, और उस पे भी हम भीगने वाले हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कितना मजा आने वाला है। कैसा कैसा लगा तुम्हें आज वहाँ पे? बहुत अमेजिंग, बहुत मस्त। और ये देखिए गाइस, सभी लोग एक्साइटेड हैं इस राइड को करने के लिए। ये देखिए और उधर हमें जाना है नीचे। तो गाइस हम देखो सारे के सारे, कोई फायदा नहीं आ रहा कपड़ा चेंज करने का, और हम जा रहे हैं नेक्स्ट साइड पे। चलो आर यू रेडी? यस, बस भीगना नहीं था हमें। और आखिरी तक जो राइड करे वही इंसान पैसा वसूल करता है। एक ये है और एक ये है और एक हूँ मैं। एंड करते हैं आज की दिन की लास्ट राइड के साथ। आज गोलू, ये हमारी लास्ट राइड है। तो हम लोग अपनी सारी राइड निपटा के आ चुके हैं और मेरा सर अभी भी घूम रहा है, और पीछे से मेरे दोस्त लोग। कैसा रहा दोस्तों? बढ़िया, मजेदार।